हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे मैनफोर्स 100 mg टैबलेट के बारे में और मैनफोर्स 50 mg टैबलेट के बारे में। जानेंगे कब मैनफोर्स 100 mg टैबलेट का इस्तेमाल होता है और कब मैनफोर्स 50 mg टैबलेट का इस्तेमाल होता है, और ये भी जानेंगे इसको कैसे इस्तेमाल मिले कि दुगुना रिस्पांस मिले, और साथ में ये भी जानेंगे इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और क्या डोज है और लेने से पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए, पूरा जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह से मेडिसिन के बारे में वीडियो बनाते हैं। आइए बात करते हैं मैनफोर्स 100 mg का। तो यह आपको मैनकाइंड कंपनी बनाता है और ये आपको 255 रुपये में 4 टैबलेट MRP है, लेकिन आपको बता दें कि मार्केट में आपको ये 15 रुपये से 20 रुपये में पर टैबलेट मिल जाएगा। और बात करें 50 mg का, तो 50 mg आपको 10 रुपये में एक टैबलेट आसानी से मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि यह सेक्स का सबसे फेमस मेडिसिन है। आइए बात करते हैं कंपोजिशन का। तो इसमें सिडेनाफिल IP टैबलेट होता है। सिडेनाफिल जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक कर देता है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे पुरुषों में लिंग को ढीलापन, लिंग को पतलापन, लिंक में ज़्यादा तनाव नहीं आता है, लिंक ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होता है या अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा देर तक सेक्स नहीं कर पाते हैं, ये सब समस्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इन सब समस्या को ठीक करता है। सिडेनाफिल का वर्क ये है कि यौन उत्तेजना के दौरान लिंग में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि लिंग मोटा और लिंग टाइट और लिंग ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है और अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा देर तक सेक्स कर पाते हैं, जिससे कि अपने पार्टनर के साथ काफ़ी खुश महसूस होते हैं। ये काम था सिडेनाफिल का। आइए जान लेते हैं इसको कैसे लेना है। तो सिडेनाफिल यानी मैनफोर्स 50 mg, अगर आपका 30 साल से कम उम्र है तो एक टैबलेट 50 mg लें, और आपको 15 दिन पर एक टैबलेट लेना है। महीने में 2 टैबलेट ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसे लेने से रेगुलर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और डेंजरस साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसे ज़्यादा इस्तेमाल में ना लें, कभी कभार लें। अगर आपका उम्र 30 साल से ऊपर है तो आप 100 mg टैबलेट ले सकते हैं महीने में 2 बार, यानी 15 दिन पे एक, इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि ज़्यादा लेने से इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसका आदत लग जाएगा, जिससे कि आपको बाद में कभी बगैर गोली खाए काम नहीं बनेगा। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करें और कम से कम ले, कभी कभार ले सकते हैं इसको। आइए जानते हैं इसको कैसे लें। बहुत लोग कहते हैं कि इसे खाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो हम आपको बता दें, अगर ये टैबलेट लेते हैं और कोई साइड आपको फ़ायदा नहीं दिखाई देता है तो आप क्या करें, इसके साथ रिवाइटल H गोली लें और उसके साथ 1 गिलास दूध के साथ खाएँ, और आधे घंटा पहले सेक्स करने से तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ डाइट भी अच्छा लें, इस तरह यूज करें। ध्यान रहे इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत ख़तरनाक मेडिसिन है, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभार ले सकते हैं। इस आइए जानते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो इसको लेने साइड इफेक्ट सर में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, धुंधलापन दिखाई दे सकता है, स्किन पे एलर्जी दिखाई देता है, जैसे लाल चकता दिखाई दे सकता है, ये सब इसका साइड इफेक्ट है। अगर ये दिखाई दे तो न खाएं कभी भी, क्योंकि आपको सूट नहीं कर पा रहा है। और ये भी जानते हैं इसको सावधानियाँ क्या बरतना चाहिए। तो अगर आप इसको लेने के सोच रहे हैं या ले रहे हैं, तो ये जान लें कि अगर हार्ट की समस्या हो किसी व्यक्ति को या हार्ट की ऑपरेशन हुआ है तो वो व्यक्ति ना लें, क्योंकि यह हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर करता है। और लास्ट में अगर लेने के सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, तब लें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। ये रहा मैनफोर्स 50 mg टैबलेट के बारे में जानकारी और मैनफोर्स 100 mg टैबलेट के बारे में जानकारी। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह से मेडिसिन के बारे में वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।